लोकसभा सीट सिंहभूम पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, जोरदार भाषण हुआ, जिसके मंच पे मुंडा जी सहित बाबूलाल मरांडी और कई बड़े नेता यहाँ पे उपस्थित हुए। आपको हम मुंडा जी को देखिए कैसे प्रधानमंत्री को सीओप करके वो सेल्फी अपने जो समर्थक है उन लोगों से लगा रहे हैं। हम मुंडा जी से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर मुंडा जी भी प्रत्याशी हैं, कितना अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और इस लोकसभा सीट को सर कैसे देख रहे हैं। एक लाइन सर, कैसे देख रहे हैं लोकसभा सीट से मुंबई को? बिल्कुल अच्छा देख रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर अपने सीट पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार आपके सीट खूंटी पे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है और पूरा खूंटी के जनता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। सर तमाम और अन्य सीट 14 सीटें हैं, चूंकि आप यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पुराने राजनीतिक भी रहे हैं, तो 14 सीटों कैसे देख रहे हैं? कई सीटों पे बताया जा रहा है कि जमीन भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में बढ़त बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों पे बढ़त बना रही है। आज जो है अर्जुन मुंडा का दावा है, अर्जुन मुंडा जी ने साफ तौर पे कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पे गीता गोला जीत रही है और खूंटी पे भी वो जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन सीटों पे इनकी जो दावे हैं वो कितना पुख्ता दावा है और जब मतदान होगा तो कैसे ये जीत की सुनिश्चित करेंगे और जो मतगणना होगी तो 14 सीट पे कितना जीत उनको मिल पाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार।